सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की मास्क पहनने की अपील, सीएम केजरीवाल पर भी साधा निशाना। नहीं रहे हिंदुस्तान के पहले वोटर, 106 वर्ष की उम्र में श्याम शरण नेगी का निधन, रात 2 बजे ली आखिरी सांस। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने 43 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। '92 मुंबई दंगा और 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लापता लोगों के परिवारों को सरकार दे मुआवजा। जयराम रमेश को कर्ण सिंह ने आड़े हाथों लिया, बोले पिता पर अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे स्वीकार। अमेठी में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में एनसीईआरटी की विजिलेंस टीम ने की छापेमारी, 3 करोड़ कीमत की नकली किताबें बरामद हुई। गोंडा के करनैलगंज नगर पालिका में पड़ा छापा, छापेमारी में नगर पालिका के लेखा अनुभाग कंप्यूटर कक्ष सहित कई विभागों को किया गया सील। हजरतगंज में गोखले मार्ग स्थित सिटी हाउस में लगी आग, सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने अंदर फंसे लोगों को सकुशल निकाला बाहर। गोंडा में कुलियों ने ई रिक्शा चालक को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वायरल वीडियो रोडवेज बस स्टॉप का। यूक्रेन के खेरसोन में हालात बिगड़े, लगा कर्फ्यू, पुतिन ने लोगों को हटने को कहा, बड़ी कार्रवाई का अंदेशा। ट्रंप की नजर 2024 के चुनाव पर, बोले तैयार हो जाएं, 14 नवंबर को चुनाव लड़ने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। व्हीलचेयर पर पहुंचे इमरान, हां मुझे 4 गोलियां लगी, हमले की जानकारी पहले से थी, पीएम और गृह मंत्री ने रची साजिश। भारत के मिसाइल टेस्ट से पहले चीन ने हिंद महासागर में भेजा जासूसी जहाज, अहम जानकारियां चोरी कर सकता है यूनान वांग 6। स्पेस में वेलगाम हुआ चीनी रॉकेट, वैज्ञानिकों का अलर्ट, भारत और अमेरिका में क्रैश होने का खतरा, स्पेन ने एयरपोर्ट बंद किए। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रन से हराया, राशिद खान की 23 बॉल में 48 रन की पारी भी एएफजी को जीत नहीं दिला पाई। सिद्रा अमीन ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया, आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 176 रन की पारी खेली। टीम सऊदी ने अपने नाम किया बॉलिंग रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने, शाकिब को किया पीछे। धोनी ने आईपीएस पर लगाया कोर्ट की अवमानना का आरोप, मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में अदालत पहुंचे। वसीम अकरम का विराट कोहली पर बड़ा बयान, कहा उसे कप्तानी से हटा दिया, लेकिन कोहली का जोश कम नहीं हुआ। धरावी बैंक का टीजर रिलीज हुआ, थलाई वन के रोल में दिखेंगे सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय में करेंगे सामना। राजीव सेन के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे करण मेहरा, बोले मैं चारू से सिर्फ एक इवेंट में मिला था, अपनी इमेज किसी को भी खराब नहीं करने दूंगा। देवीना बनर्जी ने कराया मैटरनिटी शूट, वीडियो देख यूजर्स ने किया ट्रोल, कहा ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है।
हंसी खा मोटवानी का वीडियो आया सामने। होने वाले पति की पहली शादी में जमकर किया था डांस। शाहरुख ने अपने फैंस को दी खुशखबरी, पठान का सेकंड पार्ट लाने का दिया संकेत, कहा प्रार्थना कीजिए कि पठान हिट हो जाए। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।